आजकल ज्यादातर लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। कि ये ठीक से रह के खा पी क्यों ले रहा है, अच्छे से पहन ओढ़ क्यों ले रहा है। प्रेम से कहत जा जय सियाराम। एक पति पत्नी बड़े गरीब थे, पति देव समुद्र भगवान की पूजा करते थे। सुनिएगा दृष्टांत। पत्नी ने कहा, इतनी गरीबी है, आप 30 साल से समुद्र भगवान की पूजा कर रहे हो और समुद्र भगवान रत्नाकर हैं, जाकर के उनसे कुछ मोती धन मांग लो ताकि हमारा हमारी गरीबी दूर हो जाए। पतिदेव ने कहा ठीक है, आज मांगूंगा। गए समुद्र भगवान से, कहा प्रभु इतने दिन से आपकी पूजा, 30 साल कभी कुछ मांगा नहीं, थोड़ी गरीबी है, कुछ धन दे दो। समुद्र देव प्रकट हुए, मोती कुछ रत्न देने लगे। रत्नाकर हैं समुद्र देव। फिर समुद्र देव को लगा कि अगर इनको मैं रत्न या मोती देता हूं तो वो तो कुछ दिन में फिर खत्म हो जाएगा, फिर गरीब हो जाएंगे। तो इसलिए समुद्र भगवान ने पति देव को क्या दिया, एक शंख। क्या दिया? हाँ, और कहा इस शंख से जितना मांगोगे उतना तुमको देगा हमेशा, जीवन भर। वो पतिदेव बड़े प्रसन्न हुए, आ हा हा जय हो। जब चलने लगे तो समुद्र भगवान ने कहा, अरे सुनो सुनो, इसकी एक खासियत भी है, इसकी एक विशेषता भी है। बोले क्या? बोले तुम जितना मांगोगे तुमको तो देगा, लेकिन जितना तुमको देगा उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को अपने आप दे देगा, ये इसकी आदत है। अरे पतिदेव ने कहा धन्य हो, फिर ये किस काम का है, ये किस काम का है फिर ऐसा शंख जो पड़ोसी को भी दे दे, हमें तो उदास होकर के आए। पत्नी ने कहा क्या हुआ, समुद्र देव ने कुछ दिया नहीं? पतिदेव ने कहा दिया तो लेकिन किसी काम का नहीं है। अरे क्यों, क्या दिया दिखाओ? बोले ये शंख दिया है, जितना धन मांगोगे उतना देगा। पत्नी उछल पड़ी खुशी के मारे, अरे वाह, मांगा जाए। पति ने कहा नहीं 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 मर जाएंगे हम, सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन कभी इससे मांगेंगे नहीं। बोले क्यों? अरे बोले जितना मांगोगे उसका 2 गुना पड़ोसी को दे देगा, हमें मरना स्वीकार है लेकिन पड़ोसी का सुख स्वीकार नहीं है। और सुनो भाग्यवान, हम नहीं मांगेंगे लेकिन तुमको भी कभी मांगना नहीं, इसे मांगना मत कभी। ले जाकर के ऊपर पेटी में बंद करके ताला मार दिए पति देव। अब पत्नी मन में सोचने लगी कि अब गरीबी है, पड़ोसी को 2 गुना क्या 4 गुना हो जाए, हमारा क्या बिगड़ता है, कम से कम हमारी तो दुख दूर हो जाएगा। संजोग से महीना भर बाद पति देव कहीं बाहर चले गए 10-15 दिन के लिए। पत्नी के मन में आया कि ये तो बाहर बाहर रहते हैं, घर में कोई मेहमान अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार हम कैसे करें गरीबी में, इनको क्या पता, और पड़ोसी को 2 गुना क्या 4 गुना दे दे, हमारा क्या बिगड़ता, हमारी गरीबी तो दुख तो दूर हो जाएगा। पत्नी ने सोचा शंख से मांग लेती हूँ, पतिदेव आएंगे मारेंगे डांटेंगे एक ही दिन ना, उसके बाद तो हमेशा हमेशा अकेले सुखी हो जाऊं। वही निकाली हथौड़ी और ले जाकर के पेटी का ताला तोड़ दिया, ले आई शंख, बढ़िया से शंख भगवान की पूजा की। हे शंख भगवान, हमको 50 तोले का हार दे दो। यहीं से शुरुआत किया, प्रेम से कहो जय सियाराम। शुरुआत ही यहीं से हुआ, 50 तोले का हार दे दो। अरे तो उसके पास 100 तोले का, पत्नी ने कहा 400 तोले का दे दो, हमारा क्या बिगड़ता है, हमारी गरीबी। गाड़ी मांगा, बंगड़ा मांगा, कार, जो जो मांगा सब शंख भगवान देते गए। पड़ोसी के पास 2 गुना, पत्नी ने कहा 2 गुना क्या 4 गुना दे दो, हमारा क्या बिगड़ता है, हमारी गरीबी तो दूर हो गई। प्रेम से कहो जय सियाराम। अब भैया 15-20 दिन बाद जब पति देव लौटे तो देखे उनका झोपड़ी वाला घर गायब, ए बंगला कोठी 4 तल्ले की। पंडित जी ने, पति देव ने सोचा ये क्या हुआ, हमारा घर कहाँ गया, तो देखा पत्नी खड़ी थी, पहचान गए। अरे बोले तुम ये किसके घर में आ गई हो? पत्नी ने कहा किसी का घर नहीं, अपना ही घर है। पति देव समझ गए कि लगता है पत्नी ने ताला तोड़ दिया है, मांग लिया, देखा पड़ोसी को 2-2, 4-4 गुना आए। पत्नी डरी हुई थी, अब आपको मारना है तो मारो, देखो मैंने तो मांग लिया, बड़ी गरीबी थी, अब क्या करूं। पति देव ने कहा अब तुमको मार के क्या करूंगा, डांट के क्या करूंगा, तुमने तो सारा काम चौपट कर दिया, सब बिगाड़ दिया, देखो पड़ोसी को 4-4 गुना सब हो गया, कैसे बर्दाश्त होगा मुझसे। बहुत देर पति देव सिर पर हाथ रख के सोचने लगे, अचानक खुशी से उछल गए, उठ के खड़े हुए, लंबी सांस लिए, शंख भगवान आप पड़ोसी को 2 गुना देते हो ना, ठीक है अब मैं भी मांगूंगा। ले आए शंख भगवान को, रखे, पूजा किए, हाथ जोड़े, शंख भगवान आप पड़ोसी को 2 गुना देते हो ना तो मेरी एक आंख फोड़ दो। क्या बोला पतिदेव ने? मेरी एक आंख
पड़ोसी की ऐसे भी लोग हैं जो अपना नुकसान करवा के दूसरों का नुकसान कराने के लिए, ये ईर्ष्या है। पूजा पाठ करते करते जीवन बीत रहा है, तीर्थ करते करते जीवन बीत गया, लेकिन मन से ईर्ष्या खत्म नहीं हुई, गलत कर्म खत्म नहीं हुए, तो किस काम का? इतने पर ही नहीं रुके पतिदेव। पतिदेव ने कहा, हे शंख भगवान, मेरी एक टांग तोड़ दो। पतिदेव ने सोचा, एक आंख रहेगी, एक पैर होगा, बैसाखी के सहारे चला करूंगा। पड़ोसी की दोनों आंखें फूटेगी, दोनों पैर टूटेंगे, लो गाड़ी बंगला, देखो कितना तुम्हारी कहते हैं, कितना गाड़ी बंगला तुम लोग। प्रेम से कहो जय सियाराम। इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा, शंख भगवान, मेरे घर के चारों तरफ चार बड़ा बड़ा गहरा कुआं खुदवा दो, बिना पानी वाला, सूखा गहरा। पतिदेव ने सोचा, एक आंख रहेगी, एक पैर रहेगा, बैसाखी के सहारे चार कुएं रहेंगे, किनारे से आया जाया करूंगा घर में। पड़ोसी की दोनों आंखें फूटेंगी, दोनों पैर टूटेंगे, आठ कुआं जिधर से निकलेगा गिर के मरना ही मरना है, लो गाड़ी बंगला। ऐसे ईर्ष्यालु लोग होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। जिसके मन में यदि ईर्ष्या है बंधुओं, उसके सारे पुण्य प्रताप नष्ट हो जाते हैं। ईर्ष्या हमें कभी नहीं करना।